हरियाणा के किसी गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया, उसका नामकरण संस्कार हुआ, नाम रखा गया भूला। क्या जरा बोलिए, मुझसे बातचीत करते रहिए, लगेगा कि आप सुन रहे हैं। भोला, वो नाम से भोला नहीं था, कर्म से भी भोला था। जब भोला 15 साल का हो गया तो उसके अंदर एक ऐब आ गया, कमी आ गई, वो पेटू बहुत था। दिन में 10 बार खाए वहीं पर लग जाए, बोलो बंसी वाले की जय। घर वाले परेशान, माता पिता उसके खत्म हो जाते हैं। ताऊ बड़ा विकट का शैतान था, मारता था यूं कि उसके नाम में बहुत जमीन थी। यहीं से भजन शुरू होता है, दोनों हाथ एक बार उठाइएगा। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा। ताली मत बजाइए, ध्यान शब्दों पे हो। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा के भक्तों ध्यान। एक लड़का था एक गांव में, परवारी जन से परेशान। मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका हैवान। छोड़ के वो परिवार को भोला पहुंच गया वृंदावन धाम। जो बच्चा 15 साल की उम्र तो है ही, जो दिन में 10 बार खाए, 2 दिन से भूखा था, पैदल चलते चलते कन्हैया जी से बोला, कन्हैया जी कन्हैया जी, तुमने बहुत माखन चुरा के अपने दोस्तों का पेट भरा है, आज मेरा भी इंतजाम कर दो ना। बच्चा ही तो है। तभी ऐसा हुआ, उसको एक महात्मा जी मिले। कौन? बाबा जी। 85 साल की उम्र थी बाबा जी की, और बिल्कुल ऐसे रखे थे टमाटर की तरह लाल। जब भोला ने उनको देखा, बोले ये बहुत खाते होंगे, क्या ना इन्हीं के चेले हो जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो भक्त और भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। भोला पहुंचा, बाबा जी बाबा जी एक बात बोलूं। बोले हाँ बेटा बोलो। दाप के भैया, दाप के बाबा जी हमको चेला कर लो। चेला किस लालच में हो रहा है? खाने को मिलेगा तो। बाबा जी ने चेला बना लिया। बोले बाबा जी एक बात हो रही। बोले हाँ। खाने को कितने टाइम मिलेगा? बाबा जी चकराए, भाई ये तो पेट हुए। बोले रसोई की चाबी मैं तुझे दे दूंगा, जितनी बार तेरा मन करे उतनी बार खा। भोला मनी मन में धन्यवाद करने लगा कन्हैया का। बोले ये जुगाड़ बन गई। बाबा जी बोले भाई फ्री में रोटी नहीं मिलेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। मरता क्या नहीं करता? बोले कर लेंगे, अब नौकरी बता रहे। गौशाला में करो नौकरी, गैया रोज घुमानी है, शाम पड़े सारी गैया तुम गौशाला में लानी है। चौदह दिन बड़े प्रेम से बीते भोला के, दिन में 10 बार खा रहा है। गुरु जी रोक नहीं रहे। और चेले बोले गुरु जी कैसा चेला ले आए हो तुम, हमें तो सुबह शाम देते हो। बोले ये बालक है, भगवान का रूप है। पहुंचे हुए थे उसको। एक दिवस की बात सुनो, एक दिवस की बात सुनो, आश्रम में कुछ भी बना नहीं। भोला बोला गुरु से अपने, मुझको भारी भूख लगी, मुझको भारी भूख लगी, मुझको भारी भूख लगी। तो गुरुजी गुरुजी ये बताओ कोई बाबा मर गया क्या? बोले ऐसे क्या बोलते हो, तो रसोई में ताला क्यों लटका है? बोले तुम्हें मालूम नहीं आज एकादशी है। क्या है? तो एकादशी का मतलब क्या होता है? बोले हमारे यहाँ नियम है, रूल है, प्रतिबंध है, ना तो हम खाते हैं ना खाने। बोला बोला गुरुजी हम तो 82 देख ही नहीं पाएंगे, हमारा इंतजाम करो। गुरु ज्ञानी थे, बोले किसी को जबरदस्ती से व्रत मत करवाओ। बोले भोला इधर आओ, ये लो चाबी।
आधी किलो आटा आधी किलो आलू यमुना जी में ले जाओ, किसी को बोलना मत, नहीं तो हमारे यहाँ का नियम बिगड़ जाएगा। बोले मैं काहे को बोलूंगा। रसोई में गया, आधी किलो आटा आधी किलो आलू लिया, यमुना जी पे पहुंच गया, सोच रहा है बैठा बैठा, गुरु ने तो फंसवा दिया, एक रोती तो ठाकुर जी खा जाएगा, चलो कुछ नहीं है, हमारा तो गुजारा हो ही जाएगा। उसने तीन रोट बनाए, कितने? एक भगवान जी खा जाएंगे, दो मैं खा लूंगा। अब रोटी बना ली, गुरु की बात ध्यान आई, खाने से पहले कहना है आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। अब उसने आंख बंद कर ली, कहने लगा यमुना जी से लोटे में पानी लिया, दोनों हाथ उठाइए, गाइए, क्या बोला? बंसी वाले आइए, बंसी वाले आइए, दौड़े दौड़े आइए, दौड़े दौड़े आइए, भूख लगी है आइए, भूख लगी है आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। 15 साल का बालक तो है ही, जितनी बुद्धि उतना काम। बंसी वाले आइए, बंसी वाले आइए, दौड़े दौड़े आइए, दौड़े दौड़े आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, तो मेरे भोजन के भोग लगाइए। आंखें खोली, भगवान जी नहीं आए, भगवान जी सोचने लगा अटक गए होंगे कहीं, फिर दोबारा आंख बंद करी, फिर बोला मुरली वाले आई है, मुरली वाले आई है, भूख लगी है आई है, भूख लगी है आई है, मेरे भोजन के भोग लगाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। आंख खोली, भगवान फिर भी नहीं आए, तो क्या बोला? ओ हो, अब समझा क्यों नहीं आ रहे हो, रूखी सूखी सब्जी है, रूखे रोट है, इस चक्कर में मत रहना कि मेरे गुरुजी ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए होंगे मंदिर में, वहां से तो प्राण बचा के मैं ही भाग के आया हूं महाराज, 56 भोग नहीं मंदिर में पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे, अरे रूखा सूखा यहीं पे खा लो, रूखा सूखा यहीं पे खा लो, नहीं रह जाओ भूखे, नहीं रह जाओ भूखे। अब कहानी मोड़ ले रही है, तुरंत बिहारी जी ने उसकी कर लीनी पहचान, कर लीनी पहचान, कर लीनी पहचान, सरल भक्त के भाव देख कर रीझ गए भगवान, रीझ गए भगवान, रीझ गए भगवान, दोनों हाथ उठा के बोलो बंसी वाले। एक बात बताऊं, मेरा मामा भी लगता है ये, हाँ मेरा जन्म भी मथुरा में हुआ है, मेरी माता जी मथुरा की है, तो मामा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरे मामा की जय हो। अब क्या हुआ? तो रत बिहारी जी ने उसकी कर ली नहीं पहचान, और सरल भक्त के भाव देख कर रीझ गए भगवान। बोलो राधे राधे। सुन पुकार उस भोला की, तब काना दौड़े आए, काना दौड़े आए, काना दौड़े आए, भगवान जी भी कम नहीं है, वो भी इतने धके हुए, और खेल रचाया प्रभु ने ऐसा, संग राधा को लाए, संग राधा को लाए, संग राधा को लाए। रोटी कितनी है? आंख खोली, गुरुजी ने तो कही थी एक भगवान जी आएंगे, जहां तो दो दो आए। बोले महाराज आपका स्वागत है, ये बताओ ये तुम्हारे संग में लेडीज कौन है, स्त्री? बोले तुमको नहीं मालूम है, ये हमारी सहेली है और इनका नाम राधे है। बोले किस लिए आई है? बोले तुमने ही तो बुलाया। बोले हो गया काम, हो गई एक स्त्री हमारी। अब सोच रहा है, सोचते सोचते भगवान से बोले भगवान जी कान में एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले आधी आधी रोटी में काम चल जा रहा है? भगवान जी बोले एक एक चाहिए, नहीं तो हम चले। बोले नहीं नाराज मत हो प्रभु, एक भगवान खा गए, एक राधा जी ने खा ली, अब एक रोटी देख रहा है, रोटी खा के पानी पी ली, आश्रम में आ गए। अब आई दूसरी एकादशी, गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी गुरु जी ऊका मर गया। बोले हुआ क्या?
तो तुमने कही थी एक भगवान जी आएंगे, मां तो दो दो आए, बता रहे थे कोई स्त्री थी नाम राधे। बोले क्या करूं, बोले भोजन का सामान बढ़वाओ। अब गुरुजी इस चक्कर में कि पेटू आदमी है, चारू आदमी है, भूखा रह गया हो। बोले जाओ 1 किलो आटा 1 किलो आलू। बोले ये सही है। पहुंच गया गाय लेकर यमुना जी पे। अब मन में सोच रहा है एक तो ठाकुर जी खा जाएगा, एक रोटी उसकी सहेली खा जाएगी, ऐसा करो 5 बना लो। कितनी? फिर मन में आया 4 बना लो मोटी मोटी। चलिए साहब 4 रोटी उसने बना दी। लोटे में पानी ले आया, आंख बंद कर ली, दोनों हाथ उठाओ, मुरली वाले आइए, मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए। अब इधर प्रभु तैयार होके बैठे हैं, कब भोला मुझे बुलायो, कब मैं जाऊं। तैयारी में बैठे काना कब आवाज लगाए, कब आवाज लगाए, कब आवाज लगाए। अब सुनना, काना आए, राधा आई, एक दोस्त को संग में लाए, एक दोस्त को संग में लाए, एक दोस्त को संग में लाए। बोले एक को बुलाओ दो आते हैं, दो को बुलाओ, ये माजरा क्या है। बोले भगवान जी, भगवान जी, तुम्हारे संग में लंगड़े से गंजे से कौन है। बोले ये मनसुखा हैं, तुमको मालूम नहीं, हमारे मित्र हैं। बोले बड़े विचित्र हैं, काय लिए आए। बोले हो जाए, बोले हो गई कासी हमारी यार, बैठो बैठो महाराज। एक एक रोटी तीनों को दे दी, दे तो दी। अब भगवान से बोला एक बात करनी है तुमसे, कोने में आओ जरा। बोले तुम्हारा ठेका लिया है, पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया, हर बार भूखा रह जाता हूं मैं। अब भगवान हंस रहे मनी मन, तो बेटा भी रुक जाओ, आगे आगे देख होता है क्या। एक को बुलाओ दो आते हैं, दो को बुलाओ तीन आते हैं। मगर भगवान जी, भगवान जी एक बात कहूं। बोले हाँ, बेशक मैं भूखा रह जाता हूं, पानी पी के गुजारा कर लेता हूं, जब तुम मेरे हाथ का खाना खाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक एक रोटी तीनों ने खा ली, खा रहे हैं अभी। तो क्या बोला, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, तू मन को मेरे भाता है, जब आ जाते हो तुम काना मुझे खूब मजा। बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। भगवान जी जाने लगे, बोला रुको असली बात तो रह गई। बोलो। बोले अगली एकादशी को कितने आओगे ये बता जाओ, उसी हिसाब से भोजन बनाऊंगा। भगवान जी बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। अब आई अगली एकादशी, गुरु के पास पहुंचा, महाराज झेलो चावी अपनी, में तो गांव चला। बोले क्यों, अरे एक को बुलाओ दो आती है, दो को बुलाओ तीन आते हैं, अब की वो हो सकता है पूरा खानदान लावे। अब गुरु जी सोचने लगे, उन्होंने एक तीर छोड़ा अंधेरे में, बिल्कुल सटीक बैठा हो, ये ले चाबी, जितना ले मुझे दिखा के ले जाइयो। रसोई में घुस गए, एक बोरी उठाई, बोरी क्या, 20 किलो आटा 20 किलो आलू, तेल मसाले मिर्च भर लिए बोरी में, ओपड़ी में गोरी रख ली, लो गुरु जी देख लो। गुरु जी बोले इतना तो ये खा नहीं सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो सकता है किसी दुकानदार को बेच रहा हो, पीछे पीछे चल के देखना चाहिए। अब आगे आगे भोला, पीछे पीछे गुरु, भक्तों होती है अब कहानी शुरू। दोनों हाथों का उठा के बोलो भक्त और भगवान की जय। यमुना जी पे आ गया, बोरी उतारी, यमुना जी के पास रख दी, खाना नहीं बनाया और आवाज लगा दी, दोनों हाथ उठाओ, बंसी वाले आइए, बंसी वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक सहेली लाइए,
एक लंगड़ा लाई है, एक लंगड़ा लाई है, मेरे भोजन के भोग लगाई है, मेरे भोजन के भोग लगाई है। अब उसने आंख खोली तो फटा की फटा रह गया चेहरा। 50-60 ग्वाले सखियां सुदामा जी भैया बल्लाओ जी बोला, हंसने लगा, मुझको मालूम थी ऐसे ही कांड होने वाला है। अब कन्हैया जी बोले, भोला भूख लग रही है, भोजन कहाँ है? बोले हमने बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया? बोले जब हमको कुछ बचना ही नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों करें? जे रखा है सामान खुद ही बनाओ, खुद ही कुछ बच जाए तो मुझ गरीब को दे देना। उसने स्वाफी यो पहन ली, वो झांक झांक कर देख रहा है भोजन बना के नहीं बना। अब जो है राधा जी, हेलो सखियां, ग्वाले कन्हैया के पास में पहुंचे, प्रभु एक बात मन में बात आ रही है, कह दे। बोले कहो, निसंकोच कहो, ये दुनिया तुम्हें 56 भोग लेकर के बैठी है, तुम किसी के 56 भोग नहीं खाते हो। ये ऐसा तुम्हारा पागल भगत हमने पहली बार देखा, जाओ गिराओ, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, हमको भी खिलाओ। तो भगवान जी मुस्कुरा के बोले सखियो ग्वाल वालो, हमने दो एकाध चीज के हाथ का खाना खाया है, भोजन किया है, आज भोला की भी इच्छा पूरी की जाए। आज अब ना तो हलवाई है, ना कढ़ैया है, न बत्तल दोड़े हैं, कुछ नहीं है, ना खाना बनाने वाले हैं, तो किस किस ने कैसा साथ निभाया? सुनिए, आपके भाव आ जाएंगे यहाँ पे मेजर। हो सबसे पहले मनसुखा मित्र उठे, कुल्हाड़ी उठाई, जंगल की तरफ जे चल दिए। अरे मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने, सर पे गठरी लगी है, भूला के लिए भोजन बनाएंगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, भगतो लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। पूरी बनाने लगी, देखो राधा जी पूरी बनाने लगी, सारी सखियां भी हाथ बटाने लगी, बटाने लगी। भक्तो बलदाऊ, बताओ बलदाऊ कौन थे? भगवान के बड़े भाई थे और उनका हथियार था हल। देखो बल्लाऊ पत्तल धोने बनाने लगे, सीख तोड़ ली, बड़े बड़े पत्ते तोड़ लिए। भक्तो बल्लाऊ पत्तल धोने बनाने लगे, बना के लाने लगे, और कन्हैया भी मन में मुस्कुराने लगे, लाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे। अब क्या हुआ? गुरु देख रहे थे भोला को, भोला बैठा पाया है, देख रहे थे भोला को, भोला बैठा पाया है। सामग्री सब रखी जो कि तू भोजन क्यों न बनाया है। अब ये सोचो
वो सामग्री कौन लाया जो भोजन बन गया। सामग्री सब रखी जो की त्यों भोजन क्यों न बनाया है। गुरु जी बोले भोला से ये क्या ढोंग रचाए हैं, तू कहता था भगवान आते अब तक क्यों ना आए हैं। बोले गुरु जी आपकी कसम तो मैं अरबों रुपए कोई दे तो नहीं खाऊंगा, मेरे लिए वो भगवान नहीं है। भैया भैया इधर आ जाओ, मेरे लिए वो भगवान नहीं है, आप हो मेरे बड़े भगवान। बैठ जाओ भैया, भाव कट जाएगा, बैठ जाइए। आनंद आ रहा है, किस किस को आ रहा है भाई साहब, बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ। तू कहता था भगवान आते अब तक क्यों ना आए हैं। ले गुरु जी झूठ नहीं कह रहा हूं, देखो सामने राधा जी पूरियां बना रही, सुदामा जी ने अभी चूल्हा जलाया है, और मनसुखा भैया लकड़ी लाए हैं, पत्तल डोले बंदाऊ लाए हैं। तो गुरु जी बोले मुझको क्यों नहीं दिख रहे, तुझी को क्यों दिख रहे हैं। बोलो भक्त और भगवान की, भगवान ने उसको तब दृष्टि दे दी थी। बोले अपने भगवान से पूछ के मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। भगवान जी के पास पहुंचा, भगवान जी भगवान जी, कहते हैं ना समय का पहिया जब चलता है तो घन चक्कर हो जाते हैं, कभी कभी गुरु गुण और चेले शक्कर हो जाती है। भगवान के पास पहुंचा, मेरे बड़े भगवान आए हैं। बोले कौन मेरे गुरु। बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। उन्होंने पूछवाया मुझे दिख रहे हो, उनको क्यों नहीं दिख रहे। तो भगवान बोले मैं दिखूंगा भी नहीं, क्यों, मानता हूं तेरे गुरु जी भजनानंदी है, मुझसे बहुत मोहब्बत करे, मगर दिखाई नहीं दूंगा। क्यों, जितना सरल तू है, जितना सरल तेरे भाव है, उतने तेरे गुरु जी के नहीं है। ऐसे ही आके उसने गुरु से कह दी। गुरु ने सुना तो रोने लगे, पछाड़ खा के रो रहे, दर्दीला साज लगा लो। दर्दीला लगा लो, कुछ दर्दीला सरंगी वगैरह। गुरु के आंसू पे आंसू निकल रहे हैं धार बन के। जब गुरु रोए तो भोला को भी रोना आ गया। बोला गुरु जी आप मत रोइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गुरु और तेज रोने लगे, भोला भी रो रहा है लपट लपट के। गुरु जी आज भगवान ने तुमको रुलाया है, अभी रुको मैं उनके जाता हूँ, उनके पास उनसे लड़ाई करूंगा आज। बोला भगवान जी तुम्हें दर्शन तो देने पड़ेंगे गुरु को, तुमने रुला दिया मेरे गुरु को। भगवान बोले मैं दर्शन नहीं दूंगा, नहीं देना है तो जाओ यहां से। अब आगे से एकादशी पे मैं आपको नहीं बुलाऊंगा खाना खाने के लिए, अपने गाँव चला जाऊंगा, मुझे दरकार नहीं है ना आ पाना। भगवान का दिल पसीज गया, भगवान के भी भाव आ गए कि अपने गुरु से इतना प्यार करता है, भाव आ गए उसके कन्हैया जी के। बोले चल अपने गुरु के पास ले चल। शत्रुजी रूप प्रभु ने दर्शाया और उसको दर्शन दे दिए। दोनों हाथ उठाकर बोलो गुरु महाराज की जय हो। कहते हैं ना प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए परंतु भगत का मान न टलते देखा। और भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कह देते हैं भैया वो सत्य वचन हो जाते हैं, वो सत्य वचन हो जाते हैं। ओ अब उसके गुरु जी किस प्रकार से भगवान से मिल रही है, शब्दों पर ध्यान जाऊंगा कि भक्त की भावना के वश में श्याम आके मिले। भक्त की भावना के वश में श्याम।
प्रेम के आंसू द्रगन बहा के मिले सुतन की विसरा के बाहों फैला के घबरा के रो रो के चिपका के ऐसे मिले और लिपटा के ऐसे मिले। देखिए उपमा देखिए राइटर की कैसे मिले कि जैसे रूठे हुए पिया को कोई मना के मिले जैसे रूठे आगरा शहर के अजीम फनकार राइटर बीएम ज्वाला प्रसाद जी की लाइनों का प्रयोग कर रहा हूं जो आज इस दुनिया में नहीं है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बीएम मुस्का के तंदेश बिसरा के और चिपका के ऐसे मिले और भक्तों से ऐसे मिले। अब जो अगली पंक्ति आ रही है मैं ताली उड़ा के ले जाऊंगा आपसे। कैसे मिले कि जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुबह का समय है नारायण मात स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जपो राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे माता वाली। एक और सुना दूं इनको भाई, तारानी का भी टाइम हो रहा है क्योंकि तारानी ताराओं की छाव में शुरू करके छाव में ही आरंभ हो के और छाव में ही समापन होता है। एक महाकाली की भेंट सुना रहा हूँ मैं आपको।